मैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का ध्यान और कमिश्नर साहब का ध्यान देना चाहता हूँ कि मुंबई में पूरी तरह से लॉकडाउन लगता जा रहा है। आज बगैर अनाउंस किए हुए भिंडी बाज़ार और कई इलाकों में पुलिस ने जाकर जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी। ज़रा सोचिए आप जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे हैं उनकी दुकानें अगर आप बंद करा दें, जो बड़े बड़े मॉल हैं बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो शख्स रोज़ जो व्यक्ति रोज़ाना कमाता रोज़ खाता है रोज़ कुआं खोदता है रोज़ पानी पीता है, पिछले एक सालों से लोग बर्बादी के कगार पर जा चुके हैं। सरकार लॉकडाउन लगाए वही एक हल इसका नज़र आता है, लेकिन उसके पहले भी सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे। लोग घर में रहेंगे बिजली की बिल ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बिजली बिल माफ़ करने को तैयार नहीं, बच्चों को फीस देने को तैयार नहीं, लोगों को कुछ खाने को देने को तैयार नहीं। पिछले बार कुछ दिया आप लोगों ने तो एक खिचड़ी थोड़े दिन तक के लिए, वो भी लूट फाट करके, 5 किलो चावल किसी को मिला किसी को नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि आप लॉकडाउन अनाउंस करते वक्त ये सोच लीजिए कि एक एक व्यक्ति को आप खाना दीजिए, उसकी ज़रूरत की चीज़ें दीजिए। जो सड़क पर फुटपाथ पर कुछ लोग बेचते हैं खोंचा लगा करके, जो सर पर रख के महल्ले महल्ले बेचते हैं, जो छोटी छोटी दुकान बेच करके रोज़ाना कमाते खाते हैं उनको बंद करा देंगे तो याद रखिए इस बात को कि वो व्यक्ति चुपचाप बैठेगा नहीं, वो व्यक्ति बाहर निकलेगा, घर में भूखे मरने से सोचेगा कि मैं बाहर निकल के मर जाऊँ कोई से चलेगा। सरकार को इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी क्यों, हम सड़क पर रहते हैं, हम पब्लिक में रहते हैं, हमें जो सच्चाई है जो वास्तविकता चल रही है आज समाज में लोगों की हालत जो है वो हमें अच्छी तरह मालूम है। और ये भी सोच लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि पिछली बार NGOs ने सोशल वर्कर्स ने पॉलिटिकल लोगों ने अपने पास से करोड़ों करोड़ खर्च करके लोगों को खाना खिलाया, जज्बात में लोग 1700 किलोमीटर गए तो लोग सड़कों पर खड़े होकर खाना खिला रहे थे, लेकिन अब लोगों की स्थिति वो नहीं है, अब लोग उस तरह से जोर से नहीं खिलाएंगे जितना पहला खिलाया था। तो ये काम सरकार को करना पड़ेगा, सरकार फुल लॉकडाउन लगाने के पहले 10 बार इस बात को सोचे कि इनको खाना इनको रहना इनकी बिजली की बिल इनकी दवाई का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।